बचपन इंसान का सबसे अनमोल पल बचपन। इस बचपन में बच्चे खेलते कूदते पढ़ते लिखते, लेकिन सबका बचपन ऐसा ये जरूरी नहीं। जानिए मैं आपको एक ऐसी ही कहानी बताने जा रही हूँ जिसमें एक मासूम सी बच्ची होती है। उसके माँ बाप उसे सिर्फ चंद रुपए के लिए छोड़ के चले जाते हैं और कहते हैं, बेटा हम तुम्हें एक हफ्ते में लेने आएंगे। और आज पूरे 3 महीने हो चुके होते हैं। देखते हैं इसकी कहानी। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, झाड़ू पूछा। अरे बाप रे, 7 बज गए, सुबह 4 बजे उठी थी मैं। मेम साहब की ग्रीन टी, साहब के मसालेदार चाय, ऑफिस का टिफिन, टेंकू का कॉम्प्लेक्स, यूनिफॉर्म, जूते सब रेडी हो गए। और आपको पता है इस कमरे में जो सो रहा है ना टिंकू, उसके स्कूल का टाइम 7:30 बजे का है, अभी तक नहीं उठा। अभी उठ के आएगा तो मेरे लिए तो शाम आफत खड़ी हो जाएगी। रात भर मोबाइल में गेम खेल रहा था। और पता है वो छोटा बच्चा थोड़ी है, 15 साल का आएगा तो बोलेगा, ए काम चोर की बच्ची, काम नहीं किया क्या, मेरी यूनिफॉर्म कौन देगा, तेरा बाप, खड़े खड़े मैं मुँह क्या देख रही, जा मैं बैग लेके आ। इतना सा काम वो खुद नहीं कर सकता। इधर का मेम साहब 24 घंटे टीवी देखता है और बोलता है, हाय राम, मुझसे तो बच्चों का दुख नहीं देखा जाता, बेचारे बच्चे। और इधर का साहब 24 घंटे भाषण देता है, कहता है कि देश की उन्नति के लिए हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए। और टिंकू के लिए तो बाल भी छोटा भीम ही उसका हीरो है। लेकिन क्या इन सबकी नज़रों में मेरा कोई बचपन नहीं, मेरा कोई खेलने कूदने का अधिकार नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं पढ़ने लिखने का। माँ तुम मुझे कह के गई थी कि तुम मुझे एक हफ्ते में लेने आओगी, आज पूरे 3 महीने हो चुके हैं, किसी से पूछते तो कोई कुछ जवाब नहीं देता। मुझे भी लिखना है, पढ़ना है, मुझे भी बड़े होकर डॉक्टर बनना है। मेरी भी इच्छा होती है दूसरे जैसे बच्चों के जैसे पढ़ने की, लिखने की, कुछ करने की। लेकिन इधर मेरा काम कर करके मेरा हाथ पैर दुखते हैं माँ, इधर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता माँ, तुम मुझे इधर से ले चलो माँ, ले चलो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता माँ, बिल्कुल भी नहीं, इधर मैं बहुत अकेली हूँ, बहुत। नन्ही फूलों की कीमत क्या होती है, है कीमती बच्चे फिर भी क्यों नंगे पैर ये सड़कों पर भीख मांगते हैं, अपनी किस्मत की रेखा झूठी बर्तनों में घिसते हैं, घर बाजार और वासना के हाथों रोज बिकते हैं। हम रोज ये सुनते पढ़ते देखते और सो जाते हैं, चलो देर से ही सही अब जाग जाते हैं और इन बच्चों को इनका हक दिलाते हैं।